अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ अब्दुल्लाज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के कांग्रेस के सेक्रेटरी सैयद ख्वाजा पाशा ने हमारे नुमाइंदे अब्दुल रऊफ से मुखातिब करते हुए कहा कि सेक्रेटरेट में शहीद की गई मस्जिदों पर केसीआर ने यह वादा किया था कि वो उसी जगह सेक्रेटरेट की मस्जिदों को जल्द से जल्द तामीर कराएंगे, लेकिन ये वादा भी केसीआर का झूठा निकला। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दोनों मस्जिद फिर वही बराबर बनेंगे, ये मैं आश्वासन देता हूँ। वही नहीं, कुछ ज्यादा जमीन भी दे रहे हैं। दोनों मस्जिद के बीच में जो खाली जगह है वो भी वहां के इमाम साहब के लिए अलाट करता हूं मैं, और उसको वक्फ बोर्ड के हैंड ओवर कर देता हूं, और जल्द से जल्द वो मस्जिद फिर बनेंगे, इंशाल्लाह से फर्स्ट क्लास बनेंगे। बाज़ाब्ता मैं आपको ये देता हूं, और मंदिर भी बनेंगे। इस बीच में हमारे क्रिश्चियन भाई भी आए, सेक्रेटरेट है तो हमारे को बना के दो, हमारे लोग भी है, हम भी इबादत करते। मैंने कहा बिल्कुल भाई, क्रिश्चियन भाइयों के लिए एक चर्च बनेगा, एक मंदिर बनेगा, और मस्जिद जो दो थे हमारे, दो के दो बनेंगे बिना किसी शक के। इसमें कोई किसी को शक रखने की जरूरत नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद ख्वाजा पाशा, कांग्रेस पार्टी से रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। आज मीडिया के नुमाइंदों से बात कर मैं अपनी बात रखना चाह रहा हूं। जो हुकूमत की तरफ से, टीआरएस गवर्नमेंट की तरफ से, केसीआर की तरफ से जो सेक्रेट के मस्जिद जो हमारे शहीद हुए थे, शहीद होने के बाद हम लोग और मुश्ताक मलिक साहब कई लोग उसके लिए एहतजाज कर रहे थे। पहला झंडा हमारे शब्बीर अली साहब, एक्स मिनिस्टर उस्मान मोहम्मद खान साहब, फिरोज खान साहब, जितने भी हमारे लोग थे वो पूरी शोर बेजार कर रहे थे। उसके बाद एक मिनरल मार्च किया गया था सिग्नेचर मुश्ताक मलिक साहब की तरफ से, तो मजबूरन हुकूमत को वहां पर घुटने टेकना पड़ा। फिर मस्जिद के लिए असेंबली में एक वादा करे थे उन्होंने कि हम 3 या 4 महीने में दो मस्जिद और उससे अच्छे वहां पर बना के देंगे, और मंदिर भी बन जाएंगी, चर्च भी बनेगा बोल के वादा करे थे। आज वादा करके भी 3-4 महीने होगा, अपने वादे पर कायम नहीं है। तो मुश्ताक मलिक साहब की तरफ से 24 जनवरी के दिन सेक्रेटरेट के पास एक धरना होगा पूरा मन, वहां पर मैं सारी तेलंगाना की आवाम और जिसके ने जो अल्लाह के घर के लिए जो जज्बा रखते हैं वो लोग आकर अपना एक इत्तेजाज दर्ज कराना। फिर हुकूमत वहां पर जैसा पहले घुटने टेकी थी फिर घुटने टेकना। और मैं हमारे महमूद अली साहब को ये बोल रहा हूं कि आप बोले थे मस्जिद का थोड़ा सा कोना गिरा, तो मस्जिद का कोना गिरा तो एक मस्जिद को नुकसान पहुंचना था, दूसरी मस्जिद और मंदिर, तो ये टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई है। एखाना की मस्जिद ले लीजिए आप, नारायणपेट की मस्जिद ले लीजिए, शमशाबाद का आशुर खान ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे तेलुगु देशम भी थी, कांग्रेस भी थी, मगर कभी माइनॉरिटी के हस्ते और मस्जिदों के हस्ते कभी धक्का नहीं लगा। ये टीआरएस गवर्नमेंट की, केसीआर की इतनी मनमानी हो गई कि सिर्फ माइनॉरिटी के को निशाना बना रहे हैं। हम डरने और घबराने वाले नहीं है, इंशाल्लाह 24 तारीख के दिन जो भी होगा, केस बुक हों दो कुछ भी हों दो, हम अल्लाह के घर के लिए इंशाल्लाह जरूर लड़ेंगे। हाल ही में फिरोज खान साहब और उनके भाई राशिद खान साहब भी दो जुम्मे से निकलते हैं तो उनको हौज अरेस्ट किया जाता है, मगर कई लोग मुंह बंद करके बैठे हुए हैं, मगर जिसका जमीर जिंदा है उन्हें उठना चाहिए और आवाज उठाना चाहिए। और जितने टीआरएस के जो लीडर है वो लोग पोस्टों पे, मगर वो लोग भी आवाज नहीं उठा रहे, ऐसी खयादत को तो छोड़ देना चाहिए जो अल्लाह के घरों को छेड़ती है। मैं महमूद अली को ये बोलता हूं कि आप जाते आते एक अच्छा काम करके जाइए, सेक्रेटरी के से आवाज उठाइए, आप सेकुलर सीएम है, गोल्डन तेलंगाना बोलते आप केसीआर की तारीफ करते, फिर ये अल्लाह के घरों को छेड़ रहे, आपको हमको सबको एक दिन मर के मुंह दिखाना है, जब क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास। मैं फिर एक बार सारी आवाम को ये बोलना चाह रहा हूं कि आप 24 तारीख के दिन आइए, एक ऐसा एहतजाज कीजिए पूरा मन, ताकि हुकूमत घुटने टेकना वहां पर, केसीआर को यहां पर घुटने टेकने पे मजबूर कर देंगे, ये मैं पूरी आवाम को बोलना चाह रहा हूं। कितने बजे रहेंगे भाई? ये देखिए अभी तो नहीं मालूम, मुश्ताक मलिक साहब देंगे तो उसके बाद फिर मैं मीडिया में बयान दूंगा मैं। अच्छा।
अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ, जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, BT रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें, एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की, 7H न्यूज। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।